हैप्पी मॉर्निंग स्टैंडर्ड 6। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिए होंगे एक्सरसाइज 1.4 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को समझेंगे, जिसमें क्या करना है। 4 नंबर में कह रहा है कि एस्टिमेट द फॉरिंग सम टू द नियरेस्ट होम। इसको क्या करना है, ये कुछ नंबर दिया गया है, उसको हम उसका सम हम लोग को नियरेस्ट होम में लाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एस्टिमेट करेंगे। कैसे एस्टिमेट करेंगे, आप लोग जो पिछले क्लास में आप लोग देख चुके थे, तो 44 एस्टिमेटेड टू 2 द नियरेस्ट होम। नियरेस्ट होम, नियरेस्ट होम में जब इसको एस्टिमेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग पहले क्या बोलते थे, 10 को जिसमें पे टिक लगा लेंगे, उससे जस्ट पहले का डिजिट को हम लोग चेक करेंगे। अगर उसका 5 से लेस वैल्यू है तो वहां पे क्या करेंगे, हम लोग 0 लिख देंगे और आगे का जो 10 का डिजिट जो होता है क्यों रहेगा। ये हमारा हो गया नियरेस्ट होम में एस्टिमेट हो गया। उसी तरह से 82 का क्या होगा, उसी तरह से क्वेश्चन में लिख देंगे एस्टिमेटेड सेम टू द नियरेस्ट नियरेस्ट होम, उसी तरह से लिखा जाएगा। 2 का भी यहां पे देखेंगे, टेंस के पोजीशन पे 1 है और यहां पे क्या है, यहां पे देख रहे हैं उसका वैल्यू जो है क्या है, 5 से लेस है, तो यहां पे 0 हो जाएगा और टेंस का डिजिट जो हम बाकी होंगे देंगे। अब उसके बाद जो आंसर हो जाएगा वही, उसके बाद इसका सम निकालेंगे 120 प्लस कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, इसी तरह से करते हुए आप लोगों को जो है ये कंप्लीट करना है। ऐसे तो आप लोग जो है यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एस्टिमेशन, हम तो शॉर्टकट यहां पे कर दिए, आप लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एस्टिमेशन पोस्ट, एस्टिमेशन इज इक्वल टू 40 प्लस 80 इज इक्वल टू 120। यहां पे आप लोग लिख करके आप लोग एक लाइन बढ़ा दो और जोड़ने का काम आप लोग जो है रफने भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5 नंबर में है, वो 100 पे करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम 100 का भी ले लेते हैं। (386 + 224) इसमें हम लोगों को क्या करना है, नियरेस्ट, ये आपका था नियरेस्ट 10 पर, ये था नियरेस्ट 10 पर, ये हम लोगों को करना है नियरेस्ट 100। उसी तरह से करेंगे जैसे आप लोग पहले के क्वेश्चन में आप लोग जो नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट किए थे, लिखेंगे 386 एस्टिमेटेड, जैसे ऊपर में लिखे थे टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 इज इक्वल टू 100 पे करने के लिए क्या देखते हैं, हम लोग पहले जो है 100 के पोजीशन वाले टिक लगा लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट हमारा 8 है, जो क्या है 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, इसका मतलब जो है आपका 100 प्लेस वाला डिजिट का वैल्यू 1 इंक्रीज कर जाएगा और बाकी सब जगह पे वहां पे आपका 0 0। फिर हमारा क्या है 224, इसको भी उसी तरह से लिख लेंगे हम लोग एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100। अब यहां पे हम लोग यहां 100 पोजीशन में टिक लगा दिए, यहां पे इसका क्या वैल्यू देख रहे हैं, ये क्या है 5 से 5 या 5 से ये क्या है आपका 5 से लेस है, जब 5 से लेस रखना है तो हम लोग क्या करते हैं 100 प्लेस वाला डिजिट जो बाकी हम लिख देते हैं और उसकी जगह पे जो है बाकी सब जगह 0 0 डाल देते हैं। अब ये हो गया, अब उसके बाद हम लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इज इक्वल टू एस्टिमेशन इज इक्वल टू 400 + 200 दैट इज 600 आंसर। इस तरह करते हुए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों बनाएंगे। 6 में आपका 1000 में एस्टिमेट पहले करना है, उसके बाद आप लोग करेंगे, तो 4, 5, 6 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। समझ गए, ये आज आप ये आप लोगों के लिए टास्क रहा, होमवर्क में नोट कर लेंगे। तो आप लोग नोट कीजिए,
होमवर्क में सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा और ये आप लोग जो है कल फिनिश कर लेंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे, उसमें जो है कल हम लोग जो है सो उसी का डिफरेंस निकालेंगे। ये भी लग रहा है आप लोगों से बन जाएगा 10 element 12 ये टोटल चैप्टर आप लोगों से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बच्चों गुड बाय।